हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉप 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में श्योर है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है? तो बताइए बेरवादार ठोस का उदाहरण आपका रबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या आपका 7 होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी। और इस चैनल पर आप सभी पहली बार हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना आप सभी भूल जाते हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? क्रोमियम डाइऑक्साइड यानी कि CrO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, ये सॉल में पाया जाता है आपका, टिंडल प्रभाव आपका सॉल में पाया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अर्धपारगम झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं? इसमें भैया आपका विलायक के अणु जो होते हैं वही सिर्फ निकल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान आपका 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो देखिए प्रकाशीय सक्रियता या आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बाकी बात ये आपका हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्पदाब का सापेक्ष अवनमन और प्रसरण दाब, ये चारों आपका क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म, लेकिन ये आपका नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, समझिएगा, जैसे आपको न्यूट्रॉन की, अच्छा परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है आपका द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में से हम लोग परमाणु संख्या घटा लेते हैं, द्रव्यमान संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या को हम लोग ए से सूचित करते हैं, है ना। तो इसमें आपसे द्रव्यमान संख्या पूछा, यानी जेड का मान पूछा जा रहा है, तो जेड का मान बताइए क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन, अब माइनस है तो प्लस ए, यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस परमाणु संख्या हो जाएगा। तो देखिए परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या प्लस में प्रोटोन के योगफल, नहीं प्रोटोन के संख्या का योगफल, यहाँ पर संख्या कर देना चाहिए था, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन के योगफल, इसे यही आपका क्या होता है, प्रोटॉन के योगफल या प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन के योगफल, प्रोटॉन योगफल जो आपका परमाणु क्रमांक को ही जितना पर, जैसे आप जैसे यहाँ पर सोडियम हम लिखें, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है ना, तो देखिए यही आपका प्रोटॉन का भी, प्रोटॉन का संख्या यही 11 है, परमाणु संख्या भी, परमाणु जो संख्या होता है ये भी आपका 11 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब जब परमाणु के बारे में कभी हम चर्चा करेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बतला देंगे। तो ये आपका प्रोटॉन के योगफल और न्यूट्रॉन के प्रोटॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है, तापक्रम आपका बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है आपका तापक्रम, जलीय घोल में हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन यानी H2 दिया गया है, H2 अणु, इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा? देखिए आयरन को नहीं अपकृत करेगा, यानी Fe3 आयन जो दिया गया ना, इसे अपकृत नहीं करता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका, देखिए ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें E0 का मान आपको दिया गया है 1.30 वोल्ट और pH का मान दिया गया है 2 इलेक्ट्रोड विभव, तो इसका जो मान आपका पूछा जा रहा है, इसका जो मान हो जाएगा आपका 1.36 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम ये संबंधित किससे है? विद्युत अपघट्य के समतुल्य द्रव्यमान से, यानी भार, यानी द्रव्यमान से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है आपका, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का नाम क्या है? सक्रियण ऊर्जा, क्या नाम है? सक्रियण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इस रिएक्शन में आपको अभिक्रिया की आपको कोटि बतलाना है, इसकी कोटि आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस है,
और बनाकर अभिक्रिया करता है तो 2HCl का निर्माण करता है, तो इसे सूर्य प्रकार की उपस्थिति में करता है, तो इसकी कोटि आपका शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर ये निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपका सक्रिय द्रव्यमान यानी सक्रिय भार पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है आपका, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, तो इसमें एक परतें होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, देखिए चीनी के घोल में आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूध एक उदाहरण किसका, दूध उदाहरण आपका पायस का उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है पायस का। चलिए समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, याद रखिएगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल आपका नहीं है, देखिए जल, जल जो है ना ये आपका कोलाइड घोल नहीं है भैया, जल और बाकी बात, ये तीनों आपका कोलाइड घोल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है, ठोस ठोस समुदाय आपका क्या होता है, संश्लेषित जैव होता है, यहाँ पर संश्लेषित जैव लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समझिएगा क्या कहता है, वत्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। अगला आपका, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है, देखिए कॉपर का जो मुख्य अयस्क कौन है आपको बदलाना है, कॉपर का मुख्य अयस्क आपका कॉपर ग्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉपर ग्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है ना, तो धातु का निर्माण देखिए इस प्रकार से होता है, यहाँ पर जो कार्बन है ना, यहाँ पर ये जो कार्बन, ये कार्बन यहाँ पर ऑक्सीकारक है, अवकारक है, स्टेबलाइजर है या फिर इनमें से कोई नहीं, यही आपको बतलाना है। यहाँ पर जो कार्बन है ना ये आपका अवकारक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन धातु अब भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में, और देखिए यहाँ पर धातु की बात कर रहा है, तो देखिए धातु धातु की बात कर रहा है तो आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में भूपरपट्टी के नीचे पाया जाता है। अगर यहीं पर आपका अधातु की बात करता है तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब आपका सिलिकॉन आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर धातु की और धातु की बात करेगा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब सिलिकॉन, और देखिए जब धातु की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा आपका एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है, इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, AL इसको एल्युमिनियम पढ़ा जाता है। गलेना किसका है, इसके गलेना इसका है पीवी का, पीवी को पीवी यानी कि सीसा, पीवी को सीसा नाम है इसका पीवी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में इससे सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किसमें पाया जाता है, बताइएगा बड़ा बॉन्ड कौन किसमें पाया जाता है, तो ये NH3 में पाया जाता है, NH3 यानी कि अमोनिया, इसका नाम क्या है अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए H2SO4 यानी जो सल्फ्यूर, इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यह क्या है, यह एक क्या है बताइएगा, H2SO4 यह एक क्या है, यह आपका द्विभाष्मिक अम्ल है, क्या है द्विभाष्मिक एसिड है, अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी हो ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मत की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो याद रखिएगा इसकी अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्या कहता है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या सल्फाइड इसका समाहरण ये किया जाता है, ये फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम 70 इस वीडियो में 70 प्रश्न है, इसमें हम 35 ही प्रश्न बतलाएंगे, और 35 ही प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, ठीक है, एक ही दिन आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, 35 ही प्रश्न को पहले अभी याद कीजिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में ये 35 वाला यानी 36 से फिर हम आपको बतला देंगे, ठीक है ना। इतना ही क्वेश्चन याद कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम आपको 36 से करवा देंगे, ठीक है ना। इस चैनल को सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके रखना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब हम वीडियो बनाएंगे ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही।